अस्सलाम वालेकुम, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद जहीर सिद्दीकी। आज हम लोग अवेलेबल है लाहौर का एक ही कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम आप देख रहे हैं कि काफी जोरों शोर से जारी है। आज चूंकि संडे और कुछ बारिश की वजूहत की बिना पर यहाँ पे लेबर ऐसा काम नहीं कर रही। 20 जनवरी को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और उसके बाद आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 6-7 मंथ्स के अरसे के अंदर अगर आप देखते हैं तो काफी हद तक काम यहाँ पे हो रहा है। आपकी एक्सकवेशन देख लें, आपका ड्राफ्टिंग देख लें, स्टील स्ट्रक्चर और डिफरेंट जो इंजीनियरिंग वर्क आप देखते हैं तो काफ़ी हद तक काम हो रहा है। आज इस वीडियो को शूट करने का मकसद सबसे पहले तो एक ऑन साइट जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको एलेबोरेट करना, वो आपके सामने लाइव प्रेजेंट करना, और नंबर सेकंड प्रोजेक्ट के हवाले से इसके अंदर पोटेंशियल क्या, इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो चीज़ें डिस्कस करना। जैसा कि काफ़ी वीडियोज़ और चीज़ों के अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि ये एक ऑजी डेवलपर्स का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। इससे पहले बैरियर स्काई के नाम से ऑजी डेवलपर्स वाले अपना लोहा मनवा चुके हैं कि 15-16 मंथ्स के कलील अरसे के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बैरियर आउटलेट फेस 4 के मेन बुलेवर्ड के ऊपर जो प्रोजेक्ट बैरियर स्काई के नाम से इन्होंने लॉन्च किया उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी इन्होंने दिखाई। उसके बाद इन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बेस्ट पार्ट इसके अंदर ये है कि इसके अंदर इन्होंने 100% NOC, 100% लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद पेमेंट प्लान जो है वो रिवील किया। लोकेलिटी वाइज देखते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव लोकेशन के ऊपर लोकेट कर रहा है। इसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर हमारे पास ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी, बिल्कुल साथ इसके पाम सिटी और आपके पास DHFA 10, बहरिया नशेमन, लेक सिटी और मल्टीपल डिफरेंट खूबसूरत सोसाइटीज़ जो कि आबाद हैं, डिवेलप्ड हैं, वो इसके सराउंडिंग में फॉल कर रही हैं। पोटेंशियल के हवाले से, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के हवाले से अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर दो कैटेगरीज आपके पास कमर्शियल की और रेजिडेंशियल, दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो कमर्शियल के हवाले से थोड़ी सी पहले बात करते हैं। DFO डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको दिया जा रहा है, जो कि इसके फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आपको प्रोवाइडेड होगा। अब ये पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा मुतारिफ करवाया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत फुटफॉल जनरेट होगा। उसकी मेजर रीज़न कि यहाँ पे आपको थ्रू आउट ईयर 50% ऑफ मिलेगा, डिफरेंट ब्रांड्स नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर आपको 50% ऑफ देखने को मिलेगा। नंबर सेकंड इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो IT ऑफिसेज, जो कि ऑफिसेज की एक सेकंड ब्लॉक के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाती है, तो उसके अंदर आपको टैक्स फ्री जोन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन होगी IT के बिजनेसेस के, जो लोग IT का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए। इसी तरह इनेबलर्स साकिब अजहर साहब, उनके साथ भी इनका MOU अल्हम्दुलिल्लाह साइन हो चुका हुआ है, दैट इज़ आल्सो मेजर रीज़न कि यहाँ पे IT ऑफिसेज जो है वो सक्सेसफुल होंगे। अगर हम लोग इसके सराउंडिंग में देखते हैं तो पैकेजेस मॉल एक अट्रैक्शन है जहाँ पे आपको एक अच्छा फुटफॉल और काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग नज़र आती है। पैकेजेस मॉल से अगर आप टूवर्ड्स कसूर ट्रैवल करते हैं तो कसूर से लेके पैकेजेस मॉल तक इस मॉल के अलावा, जो कि लाहौर स्काई के नाम से बनाया जा रहा है और ये पंजाब का टॉलेस्ट टावर, मोर देन 350 फीट हाइट और ग्राउंड प्लस 25-स्टोरी बिल्डिंग विद 3 बेसमेंट्स आपको प्रोवाइडेड होगा, इस तरह की इमारत आपको इस सारे रोड के ऊपर देखने को नहीं मिलती। तो कसूर की सारी कह लें आवाम, इसी तरह आपके पास जो सराउंडिंग में डिफरेंट सोसाइटीज़ आ रही हैं उनका कह लें क्लाइंटेज, वो सारी डेफिनेटली आने वाले वक्तों में इस मॉल को अप्रोच करेगी। तो डेफिनेटली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त और अच्छा फुटफॉल जनरेट होने वाला है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिहाइश के अतबार से, तो इसके अंदर हमारे पास स्टूडियो, 1 बेड 2 बेड 3 बेड लग्जरी अपार्टमेंट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे जो फैसिलिटेशन और एमिनिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो वर्ल्ड क्लास। इसके अंदर आपके पास जॉगिंग ट्रैक्स आ जाते हैं, आपके पास सोना, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल और मल्टीपल ऑप्शंस जो कि आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है स्टैंडर्ड लिविंग के लिए और एक लग्जरी लाइफस्टाइल को इंजॉय करने के लिए, वो आपको सारी की सारी यहाँ पे आपके डोरस्टेप के ऊपर प्रोवाइडेड होंगी। तो अगर आप इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये दी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है राइट नो इन द मार्केट। और बेस्ट पार्ट इसके अंदर ये है कि 6-7 महीने पहले जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ अभी तक इसकी आपको वही प्राइसेस मिल रही हैं जो आपको D1 से ऑफर की जा रही थी। अदरवाइज़ अगर आप मार्केट में देखते हैं तो डेवलपर थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं, उसकी खुदाई वगैरह एक्सकवेशन वगैरह का काम स्टार्ट होता है तो प्राइसेस के अंदर रेज आ जाता है, जंप आ जाता है। इन्होंने अभी तक अपनी प्राइसेस वगैरह D1 से जो आपके पास प्राइसेस चल रही थी वही प्राइसेस अभी भी चल रही हैं और आने वाले वक्तों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दे आर गोइंग टू रेज देयर प्राइसेस वेरी सून, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काम भी ज़ोरों शोर से जारी है और NOCs भी अवेलेबल हैं, लैंड भी एक्वायर की जा चुकी हुई है, डेवलपर भी क्रेडिबल है, तो आने वाले वक्त में यू नेवर नो व्हेन दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइसेस। सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है और आने वाले वक्तों में आपको बहुत ज़बरदस्त ये गेन देगी।
दोस्तों इसके हवाले से मजीद तफसीलात मालूमात और बुकिंग प्रोसीजर और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, विच इज़ 0333111 0536। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।